क्वेश्चन दिया है बेस स्ट्रेंथ ऑफ, ये आपके कार्ब एनायन दिए हुए हैं, ठीक है, कार्ब एनायन डिफरेंट हाइड्रोकार्बन के, सैचुरेटेड ये आपका अनसैचुरेटेड डले हुए हैं, ठीक है, कार्ब एनायन दिए हैं और उनका बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करना है। अच्छा, बेसिक करेक्टर के केस में हम लोगों ने सीखा हुआ कि जहाँ कहीं भी प्लस वाले इफेक्ट होते हैं वहाँ पर बेसिक करेक्टर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और हाइड्रोकार्बन के केस में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जैसे आपका ये आपका सैचुरेटेड हो गया है, दोनों अनसैचुरेटेड हो गया, तो यहाँ पर आपको यूज करना है एस परसेंटेज करेक्टर। जिस किसी भी कार्बन का एस परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पुल करने की क्षमता क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, एज रिजल्ट उसका बेसिक करेक्टर वहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, बेसिक करेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, जिनके पास में ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पर बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, जिस सब्सटेंस में नेगेटिव चार्ज क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो वहाँ पर बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा। अब अच्छा, ये जो आपके प्लस वाले इफेक्ट डले हुए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज और भी बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो बेसिक करेक्टर भी बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ जाता है किसी भी एलिमेंट का ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, घटने लगता है, और जब नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो बेसिक करेक्टर भी कम हो जाता है। अब ध्यान देते हैं केयरफुली, जैसे मेरे पास में आपका CH3 या आपका CH2 या आपका माइनस है, तो ये कौन सा इफेक्ट लगा है भाई, आपका प्लस आई इफेक्ट लगा है। ये क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो बोलिए नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जब ये चार्ज बढ़ेगा तो इसका बेसिक करेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब अनसैचुरेटेड ले लेते हैं, तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH दिया है, नेगेटिव चार्ज हो गया, नेक्स्ट क्या है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड और ये C नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C हो गया। इसमें अगर आप देखें जो कार्बन है तो कार्बन ने एक पाई बॉन्ड शो करके रखा है, तो जो कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाता है तो वो हमेशा sp2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। अच्छा, इस कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बना के रखे हैं तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, या नंबर आप सिग्मा बॉन्ड से निकाल लीजिए, इसने तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है उसका एस परसेंटेज करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, 50% होता है, sp2 वाले का कितना रहता है, 33.3% रहता है, तो sp वाले का एस परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, जो आपका A है, A में प्लस आई इफेक्ट लगा होने की वजह से इसका एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और जो आपका C दिया हुआ है, C में एस परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो C का बेसिक करेक्टर मिनिमम होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, B आ जाता है, तो यहाँ पे B कर दिया, ABC हो गया, ठीक है, ABC, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ABC A का सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, तो ABC लीजिए, D ऑप्शन में दिया हुआ है, D ऑप्शन इज द राइट आंसर।